और दोस्तों कैसे हो आप, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिक्स। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए एक ऐसा गेमिंग पीसी बिल्ड जो कि लगभग आपको जो है 50,000 से 55,000 रुपए के बीच में पड़ेगा। इसमें आपको मिल जाएगा एक 6 कोर 12 थ्रेड का आपको प्रोसेसर और साथ ही एक इसके अंदर आपको जो है डेडिकेटेड ग्राफिक्स भी मिल जाएगा, क्योंकि रियल गेमिंग का मजा तो जो है ग्राफिक कार्ड के साथ ही है। लेकिन ग्राफिक कार्ड के प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर हम जो बिल्ड लेके आए हैं, अगर आप जो है 50 से 55,000 रुपए लगभग अगर आप जो है 55,000 रुपए के लगभग तक आप अगर खर्च कर सकते हैं तो इस बिल्ड के साथ आप जो है काफी अच्छी गेमिंग वगैरह कर पाएंगे, स्ट्रीमिंग कर पाएंगे, एडिटिंग वगैरह आप काफी आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आपका ही बजट जो है लगभग 50 से 55,000 रुपए के बीच में है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो वीडियो पे आगे बढ़े उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से कर लिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें लगने वाले प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर के लिए यहां पर हमने लिया है इंटेल की 10th जनरेशन वाला हमने इंटेल कोर i5-10400F। इस प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो ये इंटेल की 10th जनरेशन का काफी अच्छा सा आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें 6 कोर 12 थ्रेड आपको यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बेस फ्रिक्वेंसी 2.9 गीगाहर्ट्ज की और बूस्ट फ्रिक्वेंसी यहां पर आपको 4.3 गीगाहर्ट्ज की देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही अगर हम इस प्रोसेसर की बात करें तो ये जो है 2666 मेगाहर्ट्ज तक की रैम को सपोर्ट करने वाला और पीसीआई जेन 3 को केवल सपोर्ट करने वाला काफी अच्छा सा प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये आपको जो है राइजन 5 3600 के जैसी परफॉर्मेंस दे देगा। लेकिन अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो उसके प्राइसिंग लगभग आपको 18-19,000 रुपए के लगभग मिलती है। लेकिन ये प्रोसेसर आपको जो है केवल 12,500 से 13,000 रुपए के प्राइस रेंज के बीच में काफ़ी आसानी से मिल जाएगा और इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। 6 कोर 12 थ्रेड है तो आप जो है गेमिंग और एडिटिंग भी काफ़ी आसानी से कर पाएंगे और अगर आप स्ट्रीमिंग भी करना चाहते हैं तो इस प्रोसेसर की मदद से आप जो है स्ट्रीमिंग भी कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं इसमें लगने वाली मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड के लिए यहाँ पर हमने लिया MSI की तरफ से आने वाला H510 हमने यहाँ पर प्रो ए मदरबोर्ड लिया है। हमने H510 मदरबोर्ड इसलिए लिया है क्योंकि इसमें आप जो है 10th और 11th जनरेशन दोनों के ही आप जो है आप प्रोसेसर यहाँ पर आप चला पाएंगे। अगर हम इस मदरबोर्ड की बात करें तो एक जो है 2 रैम स्लॉट के साथ आने वाला काफ़ी डिसेंट सा मदरबोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 1 M.2 का स्लॉट मिल जाएगा, PCIe स्टील आर्मर प्रोटेक्टेड यहाँ पर आपको जो है PCIe का स्लॉट देखने के लिए मिल जाएगा। तो जिससे अगर हम इसमें अपने ग्राफिक कार्ड लगाएंगे वो काफ़ी स्टेबल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही इसमें आपको जो है 7.1 चैनल का ऑडियो वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम इस मदरबोर्ड की बात करें तो काफ़ी डिसेंट सा मदरबोर्ड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको जो है 5,800 रुपए की प्राइस रेंज पर काफी आसानी से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें लगने वाली रैम की। तो रैम के लिए यहाँ पर हमने लिए क्रुशेल की बैलिस्टिक्स जो है हमने यहाँ पर 8 GB की 2 स्टिक ली है जो कि 2666 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम है। और ए रैम हमने इसलिए लिए क्योंकि आपका प्रोसेसर केवल जो है 2666 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम को सपोर्ट करता है। तो जो हीट सिंक के साथ आने वाली व्हाइट कलर की काफी डिसेंट सी आपको यहाँ पर रैम देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको इस रैम के साथ मिल जाएगी। 16 GB आपको यहाँ पर आपकी टोटल रैम होगी तो जिससे आप जो है अगर अपनी वीडियो को एडिट भी करते हैं, इवन आप अगर आप जो है 4K वीडियो भी एडिट करते हैं तो वो भी आप जो है काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। तो और अगर हम इनकी प्राइसिंग की बात करें तो एक रैम स्टिक यहाँ पर आपको 2450 रुपये और दोनों स्टिक आपको जो है 4900 रुपये के प्राइस रेंज पर काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं अपने इस कंपोनेंट के सबसे मेन पार्ट यानी ग्राफिक कार्ड की। तो ग्राफिक कार्ड के लिए यहाँ पर हमने लिया है कलरफुल की तरफ से आने वाला G4 GTX 1650। यहाँ पर हमने जो है 4 GB DDR6 रैम वाला हमने ग्राफिक कार्ड लिया है। इस ग्राफिक कार्ड की अगर हम बात करें तो ये जो इससे पहले GDDR5 के साथ भी आता था लेकिन अभी जो है GDDR जो है 6 वाला आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो इसमें आपको जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। और अगर हम इसके पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ इसमें आपको जो है एक HDMI पोर्ट, एक डिस्प्ले पोर्ट, एक DVI-D का भी पोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम इस ग्राफिक कार्ड की बात करें तो डुअल फैन के साथ आने वाला एक काफ़ी डिसेंट सा ये आपको ग्राफिक कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी आज के करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो 1050 Ti अभी आपको जो है लगभग जो है 20 से 21,000 रुपए की प्राइस रेंज पर मिल रहा है और ये आपको जो है कैलियन कंप्यूटर पर अभी आपको लगभग आपको जो है 22,500 रुपए की प्राइस रेंज पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस प्राइस रेंज पर ये जो है आज की डेट के हिसाब से काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी है। वैसे तो ये वैल्यू फॉर मनी आज की डेट के हिसाब से इससे पहले तो ये काफ़ी सस्ता आता था लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें जो GPU प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं तो ये जो है आपको एक 4 GB GDDR VRAM के साथ आने वाला काफ़ी अच्छा सा आपको ग्राफिक कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें लगने वाली स्टोरेज की। तो स्टोरेज के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने लिए किंगस्टन की तरफ से आने वाली NV1E 500 GB की हमने एक जो है M.2 NVMe SSD ली है। देखिए ये SSD हमने इसलिए लिए ये प्राइमरी स्टोरेज के लिए आपके लिए है और 500 GB जो है आपके लिए सफिशियंट रहेगी। आप इसमें काफ़ी अच्छे गेम और विंडो वगैरह अपने इंस्टॉल कर पाएंगे। और अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको जो है 2100 MBPS की आपको यहाँ पर रीड स्पीड और जो 1700 MBPS तक की आपको राइट स्पीड देखने के लिए मिल जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर स्टोरेज देखने के लिए M.2 NVMe SSD देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये MD कंप्यूटर पे आपको लगभग 4,000 रुपए के प्राइस रेंज के अंदर आज की डेट में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इन सारे कंपोनेंट को पावर देने के लिए एक PSU की। तो PSU के लिए यहाँ पर हमने लिए
GigaByte की तरफ से आने वाली P550V, हमने जो एक 80 प्लस ब्रॉन्ज सर्टिफाइड, यहाँ पर हमने 550 वॉट की हमने एक पावर सप्लाई ली है। देखिए हमने 550 वॉट की PSU इसलिए ली है क्योंकि ये जो आपके सारे ही कंपोनेंट को जो है पावर देने के लिए मोर देन इनफ है। वैसे तो आप जो है 450 वॉट से भी काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है 550 वॉट के साथ जाते हैं तो आप थोड़ा सा सेफ एंड रहेंगे। अगर आप जो है फीचर में कुछ अपग्रेडेशन वगैरह भी करते हैं तो आपको जो है पावर की कोई कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी, और जो 550 वॉट की PSU आपके लिए मोर देन इनफ होगी। इसमें आपको जो है 120mm का एक साइलेंट फैन देखने के लिए मिल जाएगा, ऑल ब्लैक फ्लैट केबल देखने के लिए मिल जाएंगी, 5 साल की इसके अंदर आपको वारंटी देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये लगभग आपको जो है 3000 रुपए के प्राइस रेंज पर काफी आसानी से मिलेगी। अब हम बात करते हैं इसमें लगने वाली कैबिनेट की। तो देखिए कैबिनेट के लिए अगर हम बताएं तो ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस वाली बात होती है। इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो ही बनाया है, उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, पीछे आई बटन में भी हम ऊपर आपको ये इसका लिंक दे देंगे। लेकिन अगर हम इसमें इस बिल्ड के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने लिया चिप्ट्रॉनिक्स की तरफ से आने वाली थंडरस्टॉर्म X2 RGB कैबिनेट। इस कैबिनेट की अगर हम बात करें तो लुक वाइज काफी डिसेंट सी कैबिनेट देखने के लिए मिलती है। फ्रंट में आपको जो हल्का सा मैश टाइप का डिजाइन मिल जाएगा, जिसमें आपको एक 120mm का ARGB फैन मिल जाएगा। पीछे की तरफ भी आपको एक जो है 120mm का ARGB फैन देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट में आपको जो है 2 ARGB आपको स्ट्रिप देखने के लिए मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर मिल जाएगा। ऊपर की तरफ भी आपको जो है इन RGB कंट्रोल करने के लिए बटन मिल जाएगा। USB पोर्ट मिल जाएंगे, ऑडियो पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। 4mm थिकनेस का यहाँ पर आपको टेम्पर्ड ग्लास देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही इसमें आपको जो है PSU श्राउड वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम इस कैबिनेट की बात करें तो इसमें आपको काफी अच्छे एयर फ्लो देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप जो है फीचर में इसमें कोई रेडिएटर वगैरह भी लगाना चाहते हैं तो वो भी आप जो है फ्रंट में आप काफी आसानी से लगा पाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम इस कैबिनेट की बात करें तो ये लगभग आपको जो है 3000 रुपए के लगभग में मिल जाएगी। और लेकिन अभी इस पर जो है 5% ऑफ चल रहा है, तो लगभग आपको जो है 2850 रुपए के प्राइस रेंज पर काफी आसानी से मिल जाएगी। और काफी डिसेंट सी ये कैबिनेट आपके लिए रहने वाली है। अब इन सारे ही कंपोनेंट के टोटल करें तो ये लगभग आपको जो है 55000 रुपए के प्राइस रेंज के लगभग में पड़ेगा। तो इस प्राइस रेंज पर ये काफी डिसेंट सा बिल्ड है। लेकिन अगर आपका बजट केवल 50000 रुपए है तो आप इसके अंदर कुछ कटौती कर सकते हैं, जैसे कि 1 RAM लगा सकते हैं आप, साथ में स्टोरेज में भी कुछ कटौती कर सकते हैं। 500GB की जगह 250GB की SSD लगा सकते हैं, साथ ही आप जो है 550 वॉट की जगह 450 वॉट की PSU लगा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप जो कुछ कटौती करते हैं तो ये बिल्ड आपको जो है 50000 रुपए के लगभग में भी पड़ जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप जो है किस तरीके से जाना चाहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम जो भी कंपोनेंट बता रहा हूँ उन सबके ही लिंक हम आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ से जाकर आप इनको परचेज करके चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आपके कोई सुझाव हो, कोई क्वारी हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।